माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों को अभिवादन। यह हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमें आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। आज मैं उस सेवा के बारे में बोलने जा रहा हूँ जिसका इतिहास बहुत प्राचीन है, जिसका वर्तमान बहुत सेवादायी है और जिसका भविष्य बहुत आवश्यकतापूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर आधुनिक काल तक अंतर्गत सुरक्षा की नींव जिस सेवा ने संभाली है वो पुलिस सेवा है। यह एक ऐसी सेवा है जो भारत को एकात्मता और सुरक्षा से जोड़कर भारत में शांतता रखती है। महोदया, मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से आया हूं, जो एक कृषि प्रधान गांव है, पर वहां पर भी लोगों की सेवा करते वक्त पुलिस को मैंने हर रोज देखा है और वहां पर लोगों के मन में पुलिस के बारे में जो सम्मान और विश्वास है, यही भारतीय पुलिस का यश है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। महोदया, यह अकादमी हमें गुरुकुल जैसी लगती है, जहाँ पर हमें इंडोर तथा आउटडोर ऐसा विशिष्ट ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ पर विविध विषयों के साथ साथ समय व्यवस्थापन, अनुशासन, आत्मनिर्भरता ऐसे संस्कार हमें दिए जाते हैं, जिससे मेरे जैसे अनेक किसान पुत्रों को विद्यार्थी से अधिकारी बनाने में यह अकादमी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। महोदया, इस प्रशिक्षण से भारतीय व्यवस्था, भारतीय समाज तथा पुलिसिंग के बारे में हमारे विचारों में बहुत सकारात्मक परिणाम हुआ है। यहाँ आने से पहले हम पुलिसिंग को एक फोर्स ऐसा मानते थे, पर यहाँ आने के बाद और यहाँ पढ़ाई करने के बाद हमें यह पता चला कि पुलिस एक फोर्स नहीं बल्कि एक सेवा है, जो हर दिन और हर वक्त देश की सेवा में जुटी रहती है। कोई गुनाह हो, कोई आपत्ति हो, कोई उत्सव हो या भीड़ नियंत्रण हो, पुलिस हमेशा वहाँ पर सेवा देने के लिए तत्पर रहती है। कोविड काल में भारतीय पुलिस का नैतिक और मानवीय चेहरा पूरे विश्व ने देखा है, जहाँ लोगों की सेवा करते वक्त 2000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। महोदया, हर एक पुलिस वर्दीधारी नागरिक होता है और हर एक नागरिक बिना वर्दी का पुलिस होता है। यह सामुदायिक पुलिसिंग यानी कम्युनिटी पुलिसिंग की संकल्पना भी हमें यहाँ अच्छी तरह से सिखाई गई है, जहाँ पर पुलिस और नागरिक साथ में मिलकर गुनाह का प्रतिबंधन करने में मदद करते हैं। परंतु अभी भी भारतीय पुलिसिंग के सामने बहुत चुनौतियाँ खड़ी हैं। पुलिसकर्मियों की कम संख्या, काम का ज़्यादा प्रेशर, साइबर क्राइम, ड्रग्स की समस्या, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध, यही कुछ चुनौतियाँ भारतीय पुलिसिंग के सामने हैं। परंतु हमें ये विश्वास है कि इस अकादमी ने जो हमें प्रशिक्षण दिया है, उस प्रशिक्षण से आने वाले समय में इन चुनौतियों का सामना हम कर सकेंगे। महोदया, अनुभव कथन समाप्त करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमें गर्व है अपनी सेवा पर, और आने वाले समय में मैं और मेरे साथी अपनी सेवा का ये गौरव और सम्मान और भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं मेरी साथी नेपाल पुलिस की मिस अल्जिना राय को यह अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद। माननीय राष्ट्रपति महोदया तथा मंच पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, आज इस अवसर पर मेरे अनुभव को आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए बहुत सम्मान और गौरव की बात है। माननीय राष्ट्रपति जी, कई दशकों से नेपाल पुलिस और भारतीय पुलिस के बीच समन्वय रहा है, जिसके कारण सन 1954 में नेपाल पुलिस सेवा से दो पुलिस अधिकारियां IPS प्रशिक्षण में भाग लेने आए। इसी तरह हम नेपाल के 5 चयनित पुलिस अधिकारी 28 मार्च 2022 को IPS प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में आए और हमें यहाँ प्रशिक्षित हुए लगभग 10 महीने हो गए हैं। माननीय राष्ट्रपति जी, हर दिन अपराधी तकनीकी और विकास के साथ अपने अपराध प्रक्रियाओं को बदलता है, जो दुनिया भर में पुलिस की जांच में हमेशा चुनौतियां खड़ा करता है। जब दुनिया भर की पुलिस को एक साथ खड़ा होकर अपराध के खिलाफ लड़ना है, तो हमारे पड़ोसी देश भारत सदियों से हमारे मित्र रहा है और दोनों देशों में विविध सांस्कृतिक, धार्मिक और पारिवारिक संबंध रहा है। यही रिश्ते के साथ पुलिस की क्षमता बढ़ाने के लिए अपराध नियंत्रण और जांच में एक दूसरे की मदद करने के हेतु ये एक विशेष मंच है। अतीत में इस विशिष्ट मंच IPS से स्नातक करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध नियंत्रण, जांच और सफल समन्वय के कारण मेरे देश की हर पुलिस अधिकारी इस मंच में भाग लेने के लिए उत्सुक है, लेकिन हम में से ही कुछ भाग्यशाली अधिकारियों को यह अवसर मिलता है। माननीय राष्ट्रपति जी, मैं ये कह सकती हूँ कि हमने आपसी समन्वय और मौजूदा कानूनों के अनुपालन के माध्यम से एक दूसरे का साथ सहयोग और समन्वय किया है, जबकि हमारे दोनों देशों की खुली सीमाओं के कारण अपराधी सीमा पार छिप सकते थे,
इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में किस तरह की समाज मौजूद है, अपराधों की प्रकृति क्या है, भविष्य में हमारे कानून लागू करने वालों के लिए क्या अवसर या चुनौतियां है, यहाँ बैठे विभिन्न देशों के पुलिस अधिकारी के भागीदारी से स्पष्ट होता है। आज की दुनिया में केवल एक व्यक्ति, एक संगठन या एक देश वैश्विक संदर्भ में अकेले अपराध के खिलाफ नहीं लड़ सकता है। मैं अपनी विश्वास व्यक्त करती हूँ कि इस एकेडमी में दुनिया के उत्कृष्ट पुलिस अधिकारियों से प्रशिक्षण प्राप्त करने से हमें और हमारे आने वाले पीढ़ियों को सुरक्षित दुनिया बनाने में मदद मिलेगी। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी को इस सम्मानित सभा में मेरे कुछ शब्द बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि भविष्य में समन्वय और कानूनों की अनुपालन द्वारा अपराध को रोकने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। टाइम ऐसे टाइम में आप लोग आए हैं, अभी अमृत काल में आप प्रवेश कर रहे हैं अपने सर्विस में। जो ये देश अपना सेंटेनरी मनाएगा उसके बाद भी आप लोगों का सर्विस कायम रहेगा, इसीलिए आप लोगों का दायित्व, आप लोगों का सेवा ऐसे होना चाहिए। ऑफिसर्स, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन युग में पदार्पण किए हैं, हम ओ युग में नहीं है जहां उनको प्रशासन ना पुलिस प्रशासन कहा जाता था, क्योंकि शासन करने के लिए, हम शासन नहीं, हम सेवा करते। बाएं हाथ में किताब के, लॉ के, नियमों के प्रावधान, दाएं हाथ में डंडा और एक पेन। कहा जाता है पेन इज माइटर देन सॉर्ड। पेन चलाने के टाइम सोचना चाहिए, मैं जो आज जो चैलेंजेस मेरे सामने है, उस चैलेंजेस को किस तरह मैं बयां करूं। इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एकेडमी को, एक योग सेंटर भी यहाँ खोला है। दो क्राउड या दो पर्सन या जो कोई भी ऐसे जगह तो वो तो टेंशन में रहते हैं, लेकिन हम शांति से, हम धैर्य से उसको टैकल करें। इसीलिए हम रिपोर्ट लिखने के पूर्व 50 बार सोचना चाहिए, मैं इस नोटबुक में या इस रिपोर्ट में क्या लिखूं, किस तरह लिखूं। मैं जो छोटी थी उस टाइम तो देश इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन उसका जो प्रभाव थोड़ा था। लोग कहते हैं, ये बच्चों को कहते हैं तुम जल्दी जल्दी सो जाओ, नहीं पुलिस आ जाएगा, ज्यादा खाओ नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगा। कहीं कहीं ये मेंटालिटी अभी भी गांव गांव में है, अभी भी दूर दराज में है, लोग डरते हैं अपने भाव को, अपने परेशानी को और झेलते रहते, कहीं इससे ज्यादा मैं परेशान ना सामना करूं। इसलिए कभी कभी मैंने देखा, मैं जब थी कि पुलिस और पब्लिक रिलेशनशिप को और नजदीक करने के लिए, फ्रेंडली करने के लिए, उनके अंदर बंधुत्व या मित्रता स्थापन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास केवल एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। प्रेम, प्रेम ऐसे चीज है जो एक के पत्थर को भी बिगाल देता है। ओ भावना होना चाहिए, ये देश मेरा है, ये लोग मेरे हैं, जो भी ऐसे काम किए ये मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, मेरा जो लोग
जो भी किए, कोई सी परिस्थिति में भी किए, उसको कैसे अपने अंदर में ही सब करे और ऊपर को जाने ना दे। जाने से फिर ज़्यादा प्रॉब्लम ये लोग फेस करेंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम अपने हाथ में ही ले लो। मैं देखती हूँ यहाँ जितने यंग ऑफिसर्स है, कहते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जैसे फलदार वृक्ष के तारा और झुकाव होते हैं, फलंती वृक्ष जैसे अनवंती बुद्धे, जो ज्ञानी लोग होते हैं। इसीलिए आप अपने लोगों के लिए अब तो करते हैं, लेकिन क्योंकि आप इसी रास्ते को चुने, क्योंकि आप कर पाएंगे, मैं देखती हूँ आप करेंगे। आप जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान देख के मुझे लगता है आप इसको हैंडल कर पाएंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरों से अलग, ये देश हमारे है, ये लोग हमारे हैं, कोई कोई भेदभाव नहीं, छोटे बड़े नहीं। मेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरे सीनियर है, मेरे जूनियर है, ये सब मेरे हैं, ये मेरा काम है, मैं अपने से इसको सुलझाऊँ, वो आप कर पाएंगे। ये मॉडर्न युग, ये कंप्यूटर युग है, ये साइंस युग है, आप ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप इनोवेटिव वाले हैं, इनोवेशन इनोवेटिव आइडिया आपके पास है, कैसे हम करेंगे इसको टेकल, इट इज अप टू यू, आप कर पाएंगे। ऐसे दूर दराज से, ऐसे अनजान, ऐसे इलिटरेट लोगों को ऐसे ना हो कि मैं नहीं जाऊं। पुलिस वाला अभी भी है, पुलिस वाले आ जाएंगे, कोई भी रास्ते पे आते, अरे उनके घर पे पुलिस वाला क्यों आए थे, अभी भी ये डर है, ये डर खत्म होना चाहिए। ये काम आप लोगों का खत्म कैसे होगा,